तो नमस्कार, आज मैं बात करूंगा एक ऐसे शेयर के बारे में जैसे आप महाभारत के अंदर भीष्म पितामह जी थे, एकदम अमर रहने का वरदान प्राप्त था और उन्होंने युगों युगों तक जीवन जिया और महाभारत के अंदर अपनी इच्छा से मृत्यु पाई। सो सेम वैसे ही एक इंडियन अपनी ख्याति के साथ साथ उन्होंने पूरा अपना नाम रोशन किया और पूरे जग को यह अपनी जो ज्ञान था उसका भंडार यानी कि जो रोशनी दी उससे, सेम वैसा ही एक शेयर है जो हम सबको रोशनी देगा यानी कि धन और दौलत देगा। यानी कि शेयर मार्केट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही कही जाती है कि शेयर मार्केट का जो भीष्म पितामह है वो कौन है, यानी कि जिसको कोई हरा नहीं सकता। बस आप पैसे लगा दीजिए और आप जो मार्केट के अंदर है पैसा बनाते रहेंगे। तो ऐसे ही शेयर के बारे में मैं बात करूँगा हुआ ईयरली वाइज, जिसके अंदर जो इनकी जो एक्सपेंसेस है एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, आप देखेंगे कि रेगुलरली इतने सालों से कंटिन्यूसली लोग 2011 से इसके अंदर लगा हुआ है, जिसके मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंटिन्यूसली एकदम से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देखेंगे कि हालांकि छोटी मोटी गिरावट के साथ साथ लेकिन करेक्शन किसी न किसी साल आता है, लेकिन रेगुलरली जो धन और दौलत ये बरसाता हुआ नज़र आ रहा है, आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 2015 और 2016 के अंदर इसके अंदर हल्का सा करेक्शन आया था जिसमें गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद इस शेयर ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमेशा एक ग्रोथ के साथ साथ ये टॉप क्वालिटी आपको रिटर्न जनरेट करता हुआ देता गया। तो इसी शेयर के बारे में मैं बात करना चाहूँगा बहुत विस्तार के साथ। एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड और इस शेयर ने जो रिटर्न जनरेट करके नहीं वो बहुत अच्छे थे। अगर मैं आपको एक साल का इसका चार्ट लगा के दिखाता हूँ जिसके अंदर ये लगभग 196% के इसने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, और अगर मैं और अधिक का इसका चार्ट लगा के दिखाऊँ तो आप देखेंगे इसने 263% और मैक्स के अंदर अगर मैं लगाऊँ तो लगभग 263% के ही इसने रिटर्न जनरेट करके दिए हैं। और ये कंपनी जो लिस्टिंग हो रही है वो 2017 के अंदर इसकी लिस्टिंग हुई है 156 रुपये पर, और उस समय से लगभग आज 4 साल हो गए और इस कंपनी ने लगभग काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए हैं, 263% के रिटर्न जनरेट करके दिए। और आप देखना चाहेंगे कि इस कंपनी के अंदर जो अभी बुक वैल्यू है यानी कि जो ऑर्डर बुक है वो बहुत अच्छा है, और कंटिन्यूसली इसने 6 महीने और 3 महीने के अंदर अगर मैं चार्ट लगा के दिखाऊँ तो 5 दिन का भी चार्ट लगाऊँ तो इसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ और मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। लगभग 12% के इसने रिटर्न दिए हैं सिर्फ 5 दिन के अंदर, और 1 महीने के अंदर मैं आपको दिखाऊं तो इसने 36% और 6 महीने के अंदर 85%, यानी कि ये अभी अभी बुलिश हुआ है। जी हाँ जी, अभी अभी बुलिश हुआ है और 1 साल के अंदर 196, यानी कि जो रिटर्न मैं आपको बताना चाहता हूँ इस कंपनी के अंदर ये अभी स्टार्टिंग है और आने वाले टाइम में ये भीष्म पितामह कहलाएगा शेयर मार्केट का, आपको इतने अच्छे रिटर्न जनरेट करके देगा। और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के अंदर जो रेगुलरली बूम आ रहा है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी शेयर होल्डिंग से, जिसमें आप देखेंगे किस तरह से FII और DII ने इसके अंदर दबा के पैसा लगाया। तो मैं लेकर आया हूँ आपको स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर, जिसके अंदर ये एक इंडियन एनर्जी एक्सचेंज इज़ अ पावर एक्सचेंज लाइसेंस सेंट्रलाइज इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन है, जिसके अंदर ये काम मतलब कंपनी का जो एक काम है एनर्जी एक्सचेंज करती है, यानी कि इधर की उधर एनर्जी जो होती है RAC रिन्यूअल एनर्जी सर्टिफिकेट, इस तरह से काफ़ी सारी जो कंपनियां हैं उनका काम देखती है। एंड देन मैं इसकी जो बात कर रहा था वो कर रहा था DII और FII की, इसकी होल्डिंग। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी का जो मेन चीज़ होती है, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी इज़ एक्सपेक्टेड टू गुड क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है, कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी एंड कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्थी डिविडेंड पे आउट ऑफ 32% से भी ज़्यादा कर इसने हेल्थी रिटर्न दिया है एंड कंपनी इन मीडियम सेल ग्रोथ। तो इस तरह से आप देखेंगे 10 साल के अंदर इसने काफ़ी अच्छे लगभग 16% तक के रिटर्न दिए, जो एक आपने देखा होगा कि जो म्यूचुअल फंड के अंदर 16-18% के रिटर्न जनरेट करके देखती है, तो उसी हिसाब से ये कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दे रही है। और मैं बात कर रहा था DII और FII की, हालांकि मैं इसके जो नेट प्रॉफिट है वो रेगुलरली मैं बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले, जिसके अंदर आपने देखा कि जो प्रॉफिट्स हैं वो रेगुलरली बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं 2011 से, और आज की डेट में इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो आप देख पाएंगे
287 करोड़ रुपए का प्रॉफिट नेट नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं जो सबसे बड़ी चीज़ बताऊंगा वो बताऊंगा कि इसके पास जो अभी रिसेंटली जो शेयर होल्डिंग है FII और DII की, वही मैं दिखाना चाहता हूँ, जिसके अंदर आप देखेंगे कि जो इंक्रीमेंट यहाँ नज़र आ रहा है ना, वो एक बड़ी गेम चल रही है। जी हाँ जी, बड़ी गेम तो यही होती है। FII DII की जो होल्डिंग को ट्रैक करना है ना, वही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर मैं 2018 की बात करूँ तो लगभग 13%, और मैं रिसेंटली की ही बात करते हैं ताकि बात उतनी ज़्यादा पुरानी न खींची जाए। तो अगर मैं रिसेंटली की बात करूँ तो यहाँ देखेंगे कि दिसंबर से, अगर मैं प्रीवियस दिसंबर से देखूँ तो 29 थी, फिर मार्च के अंदर 36 हुई, और उसके बाद 36 के बाद फिर से 36.66 हुई। एंड देन DII की बात करूँ तो यहाँ पर वह थोड़ी कम होती नज़र आ रही है, लेकिन जो इंक्रीमेंट नज़र आया वो FII में बहुत अच्छा आया है, एंड देन पब्लिक होल्डिंग में भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि FII ने इस शेयर के अंदर जो दबा के पैसा लगाया है ना, वो देखने वाली चीज़ है। हालांकि DII ने इसके अंदर जो पैसा है वो निकाल लिया था, एंड देन FII ने इसके अंदर काफ़ी अच्छी अमाउंट में जो पैसा है वो लगाया है, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन अभी भी आप देखेंगे जो प्रीवियस मुकाबले हैं, और लगभग इस साल या दिसंबर के हिसाब से इसमें धीरे धीरे होल्डिंग नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ है कि जो FII ने इसके अंदर पैसा लगाया रेगुलरली, और अभी भी इसमें कोई बड़ी गिरावट ऐसी मतलब कि देखने को नहीं मिली है, और आप देखेंगे कि रेगुलरली जो इसके अंदर यहाँ पर जो पैसा लगाया गया है उसको ट्रैक करने वाली बात है, जो स्पेशली FII के अंदर। और आप देखेंगे अभी भी इसके अंदर जो रेगुलरली मैंने अभी इसका जो चार्ट देखा है, पिछले जो आपको मैंने दिखाया, जिसमें आपने साफ साफ देखा कि पिछले जो 6 महीने, 8, 1 महीने और 1.5 महीने का जो चार्ट है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी ग्रोथ मोमेंटम होता हुआ नज़र आ रहा है। इसने 3 महीने के अंदर लगभग काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करे 350 रुपये से, और आज यह 550 रुपये से भी ऊपर कर टारगेट प्राइस पे चेस कर रहा है, और आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करके आपको दे सकता है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड एक पावर एक्सचेंज कंपनी है,